चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपकी एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। इसमें हम लोग कक्षा 11वीं की आपकी जो भारत जो राजनीतिक सिद्धांत है या पॉलिटिकल थ्योरी है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इसमें भी आपका एक चैप्टर हम लोग देख चुके हैं। पहला चैप्टर था आपका राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, एक सामान्य परिचय हम लोगों ने देखा था। तो याद रखिए, इससे पहले आपकी कक्षा 6वीं से कक्षा 10वीं तक की सभी बुक्स जो आपकी सिविल सर्विस या किसी स्टेट पीसीएस के लिए जरूरी है, उन्हें कवर करवा दिया गया है और उनकी पीडीएफ आपको दे दी गई थी टेलीग्राम पर। ठीक है, एक बात और हमेशा याद रखिए, आप सोचें कि एक आप नोट से एक पेज का बना के एनसीईआरटी को कोई आपको समझा दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। कम से कम एक से दो बार आप लोग एनसीईआरटी को विस्तार से पढ़ लीजिए, जो मेन बुक है उसे पढ़िए। किसी के नोट्स बनाने के या बहकावे में मत आइएगा, कुछ नहीं उखड़ने वाला है। एक बार देखिए उनमें जो चित्र दिए गए हैं, जिस तरह से उसे समझाया गया है, उसे तो कम से कम एक बार आपको पढ़ना होगा। ठीक है, फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि स्पेशल जो बुक्स आती है, जैसे पॉलिटिकल की ले लीजिए या राजनीति की ले लीजिए, आप लोग एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए और लास्ट में आप कह सकते हैं कि एम लक्ष्मीकांत को भी आप स्पेशल में पढ़ सकते हैं। और एक से दो बार आप लोग एनसीईआरटी जैसे ही कवर कर लेंगे, उसके बाद आप जब भी रिवीजन करने का मन होता है या आपको एक तरह से पेपर देने का टाइम आता है, तो उस समय आप लोग एम लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं। और जो आप एनसीईआरटी से नोट्स बनाएंगे शॉर्ट, उन्हें भी आप लोग रिवीजन के पॉइंट व्यू से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बिना एनसीईआरटी की शक्ल देखे आप सोचे कि कुछ उखड़ जाए, कुछ नहीं उखड़ने वाला है। और इससे पहले आपकी जितनी भी क्लासें ली जा रही हैं वो एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनाई हुई है उसी में डली हुई है। आज की क्लास, इस क्लास में हम लोग बात करते हैं स्वतंत्रता के बारे में। ये काफी चर्चा में भी रहता है और मुझे लगता है कि आपको मालूम भी होना चाहिए। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी, और नहीं कर रहे हैं तब भी, मुझे लगता है अच्छे से आप लोगों को जानकारी रहनी चाहिए। मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जब अधिक शक्तिशाली समूह ने कुछ लोगों या समुदायों का शोषण किया, उन्हें गुलाम बनाया या फिर उन्हें अपने आधिपत्य में ले लिया है। लेकिन इतिहास में हमें ऐसे ही वर्चस्व के खिलाफ शानदार संघर्षों के वेदनादायी उदाहरण भी देता है। यह स्वतंत्रता क्या है जिसके लिए लोग अपना जीवन देने तक के लिए तैयार रहते हैं? सार रूप में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लोगों को कि इस आकांक्षा को दिखाता है कि वे अपने जीवन और नीति का नियंत्रण स्वयं करें, उनका अपनी इच्छा और गतिविधियों को आजादी से व्यक्त करने का अवसर बना रहे। ना केवल व्यक्ति वरन समाज भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और चाहते हैं कि उनकी संस्कृति और भविष्य की रक्षा हो। आप लोग भी तो देखते होंगे, जब आपका परिवार कोई टोकता है कोई मेंबर, तो वो तो अच्छाई के लिए टोकते हैं, लेकिन उसमें आप देखते हैं कि आप कह देते हैं कि मेरी स्वतंत्रता है ये करने की वो करने की। जब कोई समूह आपको रोकता है तब भी आप कहते हैं मेरी स्वतंत्रता है। तो मुझे लगता है कि आज की ये पीढ़ी, यानी कि आज के इंसान नहीं समझ सकते कि इस स्वतंत्रता, यानी कि जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इसके लिए कितना संघर्ष हुआ, कितने लोगों ने बलिदानी दी, कितने लोग फांसी पर चढ़ गए। इस तरह से आपने देखा हो, इतिहास आप लोग पढ़ते हैं तो मुझे लगता है बेहतर जानते होंगे, फिर भी हम लोग इन मौलिक अधिकारों का अपना प्रयोग नहीं कर पा रहे, स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर पा रहे। अभी भी आपको देखने को मिलता है कि एक जो ताकतवर समूह होता है या शक्तिशाली होता है, वो नीचे जो तबके के लोग रहते हैं उन्हें दबा देता है। आप देखते हैं कि आप कभी पुलिस वाला कोई गाड़ी आपकी पकड़ लेता है या कहीं भी आप जाते हैं तो वहां भी आपकी आवाज को दबा दिया जाता है। लेकिन बोलने की आपको स्वतंत्रता है, अपनी बातें जो भी व्यक्त करने की स्वतंत्रता है आपको। लोगों के विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों कानूनों की जरूरत होती है। हो सकता है कि नियमों के लिए जरूरी हो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुछ सीमाएं तय की जाए, लेकिन यह माना जाता है कि ये सीमाएं हमें असुरक्षा से मुक्त करती हैं और ऐसी स्थितियां प्रदान करती हैं जिससे हम अपना विकास कर सकें। कहने का मतलब है कि आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, घूमने की स्वतंत्रता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। अब आप क्या करने लगे, किसी को गाली देने लग जाए या आप ऐसा संगठन बनाने लग जाए जो देश की अखंडता एकता के लिए नुकसानदायक हो, तब देखिए आपकी स्वतंत्रता पर सीमाएं भी कुछ लगाई जा सकती हैं। ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपकी सीमाएं वहां तक हैं जहां तक कि दूसरे के एक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। ठीक है, एक तरह से कहिए आपके मकान की या आपकी खेत है, कहीं आपकी जमीन है,
तो आपकी जमीन वहां तक है ना कि जहां तक दूसरे की जमीन में आप प्रवेश ना कर जाए, समझ रहे हैं? वही है राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता के बारे में अधिकतर चर्चा ऐसे नियमों को विकसित करने पर केंद्रित रही है जो सामाजिक रूप से आवश्यक सीमाओं और बाकी प्रतिबंधों के बीच अंतर स्पष्ट करती हैं। इस पर भी वाद विवाद रहा है कि स्वतंत्रता की क्या सीमाएं होनी चाहिए जिसके फलस्वरूप किसी समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं प्रभावित होती हैं। इस अध्याय में हम कुछ ऐसी चर्चाओं पर एक नजर डालेंगे और इस अध्याय में हम अध्ययन के बाद व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता के महत्व को समझेंगे, स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयामों में अंतर की व्याख्या करने में समर्थ होंगे, यह समझ पाएंगे कि हानि सिद्धांत का क्या मतलब है। और बड़े धैर्य से आप लोग सुनिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा जो समझ में ना आए। और हाँ, आप क्या करते हैं, हड़बड़ाने लगते हैं, तभी आप लोग इससे एक तरह से अपनी पूरी गलतियां कर बैठते हैं। अच्छे से समझिए, उसके बाद नहीं समझ में आता है फिर बताइएगा कि कहां समझ में नहीं आया। और वैसे तो मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी में कोई एक्स्ट्रा शब्द नहीं देखने को मिलेगा जो आपको समझ में ना आए, समझ रहे हैं आप लोग? सब कुछ समझ में आ जाएगा, अपने आप से पढ़ोगे तब भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्वतंत्रता का आदर्श। इन सवालों के जवाब देने से पहले हम एक क्षण के लिए रुकें और कुछ विचार करें। 20वीं शताब्दी के एक महानतम व्यक्ति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। एक तरह से जिस तरह हम लोग अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं ना, उसी तरह आप सोचिए कि अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को भी वही स्थान प्राप्त है। इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में के रंगभेदी शासन खिलाफ अपने व्यक्तित्व संघर्ष, गोरे लोगों के शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाइयों और पुलिस अत्याचार के बारे में बात की है। इन अलगाववादी नीतियों में एक शहर में घेराबंदी किए जाने और देश में मुक्त आवागमन पर रोक लगाने से लेकर विवाह करने में मुक्त चयन पर भी प्रतिबंध लगाना शामिल है। सामूहिक रूप से इन सभी प्रतिबंधों को नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाली रंगभेदी सरकार ने जबरदस्ती लागू किया था। मंडेला उनके साथियों के लिए इन्हें अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों और स्वतंत्रता के रास्ते की बाधाओं को दूर करने का संघर्ष, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस पुस्तक को भी याद रखिए आप लोग। जब आंसर राइटिंग करते हैं कहीं आप लोग, तो इसे भी आप लोग वहां उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। विशेष बात यह है कि मंडेला का संघर्ष केवल काले या अंध लोगों के लिए ही नहीं वरन श्वेत लोगों के लिए भी था। अभी भी आप लोगों ने कुछ समय पहले अमेरिका में इस तरह की रंगभेद की नीति सुनी होगी। इस तरह के भेदभाव अभी भी कई देशों में आपको देखने को मिलेंगे। एक लंबी मतलब सही है लंबी समय तक ये जेल में भी रहे। कौन? नेल्सन मंडेला साहब। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत कुछ चुकाना पड़ा इस आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए। ऐसे ही आजाद नहीं हो गए हम लोग, इसकी शायद हम लोग कीमत नहीं समझ पाते हैं आज। और आप समझिए कि अगर नेल्सन मंडेला भी उस समय अगर सोचते कि हमें क्या करना है, जैसा अभी हम लोग देखते हैं कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, हम लोग चुप बैठ जाते हैं, हमें क्या करना है, तो आज इतिहास में उन्हें हम लोग नहीं पढ़ रहे होते। क्योंकि आज से पहले उनके समय भी कई लोग हुए होंगे, लाखों लोग, करोड़ों लोग, कौन किसे याद रखता है। तो यही मैन है इसका। इस स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन के 28 वर्ष जेल की कोठरियों में के अंधेरे में बिताए, यानी कि दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं 28 वर्ष के लिए जेल में भी रहे। या कल्पना कीजिए कि अपने यौवन को किसी आदर्श के लिए होम कर देना, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने, अपने प्रिय खेल मंडेला बॉक्सिंग पसंद करते थे, इनका यानी कि मनपसंद खेल था बॉक्सिंग, अपने पसंद के कपड़े पहनने, अपनी प्रिय संगीत सुनने जैसे आनंदों को छोड़ देना और जीवन के अंग रहे उत्सवों का त्याग कर देने का क्या मतलब होता है। आप भी तो देख सकते हैं हमारे यहाँ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये छोटी छोटी उम्र में, मतलब आप सोचिए कि इस समय खेलने का समय रहता है, इन्होंने अपनी जान दे दी है देश के लिए। कल्पना कीजिए कि आपने यह सब छोड़ दिया क्योंकि आप अपने लोगों की आजादी के लिए अभियान चला रहे हैं, आपने एकाकी कोठरी में बंद रहना चुना और आपको यह भी नहीं पता कि आपको जेल से कब छोड़ा जाएगा। स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने व्यक्तिगत रूप से बहुत ही भारी कीमत चुकाई है, यानी कि एक तरह से अपनी पूरी जिंदगी ही कुर्बान कर दी। ये पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये है आपके नेल्सन मंडेला साहब। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से जुड़ा एक और मामला देखते हैं।
आंग सान सू की लिए गांधी जी की अहिंसा के विचार प्रेरणा स्रोत रहे। सू की को म्यांमार में उनके घर पर नजरबंद करके रखा गया था। जिस तरह से एक तरह से आप कहिए कि गांधी जी, फिर चाहे आपके सुभाष चंद्र बोस हो या भगत सिंह राजगुरु, सुखदेव, बाल गंगाधर तिलक या नेहरू साहब, इनकी जो हमारी आजादी में योगदान रहा है, उसी तरह से आप म्यांमार में आप देख सकते हैं आंग सान सू का रहा, या दक्षिण अफ्रीका में बात करें तो नेल्सन मंडेला साहब का रहा है। सू की अपने बच्चों से अलग है, और यहाँ तक कि जब उनकी पत्नी कैंसर के कारण मौत हुई से जूझ रहे थे, तब भी सू की को उनके उनसे मिलने नहीं दिया गया। यानी कि आप कहिए कि इनकी पत्नी की जब मौत हुई कैंसर से, उस समय भी इन्हें मिलने नहीं दिया गया। आज जो स्वतंत्रता आप देखते हैं, इन्हीं लोगों की एक तरह से देन है। सैनिक शासकों को डर था कि यदि वह अपने पति से मिलने इंग्लैंड गई तो उसे वापस म्यांमार लाना संभव नहीं होगा। इनके पति थे, एक लेडी थी, यानी कि वोमेन थी, ठीक है। आंग सान सू की अपनी आजादी को अपने देश के लोगों की आजादी से जोड़कर देखती थी। उनकी पुस्तक का शीर्षक था फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति। एक बात और याद रखिए, जब आप लोगों के कहते हैं कि महिलाओं के योगदान पर आपको कभी क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, या आप ऐसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, उस समय इन नामों को आप डाल सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी आजादी में महिलाओं की भूमिका रही है, फिर चाहे आप लोग इसमें कहीं भी देश में अगर निबंध लिखने के लिए आता है तो आप लोग सभी को शामिल कर सकते हैं, ठीक है। वह कहती हैं कि मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से मुक्ति हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते हैं। एक गहरे विचार हैं जो हमसे एक क्षण रोकने और अपने निहितार्थ समझने की मांग करते हैं। सुल्की का कहना है कि हम ना तो बाकी लोगों के विचारों से और ना ही सत्ता के व्यवहार से डरना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में समाज के लोगों की प्रतिक्रियाएं और साथ के लोगों की मजाक उड़ाने से ही अपने अथवा मन के भय से नहीं डरना चाहिए। इसके बाद भी हम अक्सर भय का प्रदर्शन करते हैं। आंग सान सू की के अनुसार गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय का विजय पाए। और आज के समय में देखिए आप लोग, की हमारे अंदर सच से लड़ने की या सच कहने की, छोड़िए कहने की, छोड़िए आप लोग, सच सुनने की भी क्षमता नहीं रह गई है। इससे क्या होगा, देखिए आप किसी की गुलामी करके या किसी के तलवे चाट के, सीधी बात, आप हो सकता है कि 100 से 150 साल जीवन जी लें, लेकिन इतिहास में मुझे नहीं लगता है कि आपको अच्छे इंसान के बारे में याद रखा जा सकता है। क्या करते हैं आप समाज के लिए, किस तरह से जीवन जीते हैं, यही इतिहास बनता है। और आप समझिए कि इतिहास, इस समय का भी इतिहास लिखा जाएगा आने वाले समय में। 1858 की बात करिए आप लोग, 57-58 की क्रांति आपने देखी है, उसमें आपने देखा एक तरफ रानी लक्ष्मीबाई, तत्या टोपे, एक तरफ आप देखिए सिंधिया। सिंधिया ने अभी भी, आप देखेंगे इतिहास की स्पेशल बुक्स पढ़िए आप लोग, तो उसमें आपको साफ दिखाई देगा कि सिंधिया एक गद्दार था। ये अभी भी लिखा हुआ है। और याद रखिए, जब तक ये इतिहास रहता है, और मुझे लगता है जब तक ये धरती रहती है तब तक ये शब्द लिखा रहेगा, कोई हटाने वाला नहीं है। तो ये आपके कामों पर निर्भर करता है, कौन से काम कर रहे हैं। मैं बार बार बोल चुका हूं कि उस समय भी लाखों लोग थे, लेकिन कितने लोगों को इतिहास में जगह दी गई, उनके कामों की वजह से इतिहास में एक तरह से जगह दी गई है। और इतिहास उन्हीं लोगों को उसी हिसाब से याद भी रखता है, ठीक है। आंग सान सू की और नेल्सन मंडेला को इन दो पुस्तकों में हम स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति देख सकते हैं। यही आदर्श हमारे राष्ट्रीय संघर्ष और ब्रिटिश फ्रांसीसी और पुर्तगाली उपनिवेशवाद के खिलाफ एशिया अफ्रीका के लोगों के संघर्ष के केंद्र में था। अब सबसे बड़ी बात आती है कि स्वतंत्रता आखिर क्या है, इस पर पूरा डिबेट है, यानी कि आपका एक तरह से पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है। इस स्वतंत्रता क्या है, इस प्रश्न का एक सीधा सपाट उत्तर यह है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। ये एक तरह से आप कहिए कि साधारण परिभाषा होगी, इसका उपयोग भी आप लोग कहीं कई जगह कर सकते हैं। एक सीधी सादी परिभाषा है कि आपके ऊपर किसी बाहरी लोगों का हस्तक्षेप ना हो, आपको सब कुछ करने की आजादी दी जाए, कहीं आप जा रहे हैं घर से निकलने की आजादी दी जाए, फिरने की आजादी दी जाए, बोलने की आजादी दी जाए, बाहरी प्रतिबंधों का पूरी तरह से अभाव हो, कोई प्रतिबंध ना हो। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव ना हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके,
तथा स्वायत्ता तरीके से व्यवहार कर सके तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकता है। हालांकि प्रतिबंधों का ना होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी है। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास कर सके, पूरी तरह से आपको अपनी विकसित करने की आजादी मिल सके। लेकिन मैंने पहले भी बता चुका हूं कि इस पर कुछ सीमाएं भी लागू होती हैं स्वतंत्रता पर, तो ये पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं कि आप लोग देखिए, अगर देश की अखंडता किसी और की स्वतंत्रता का अगर आप हनन नहीं करते हैं, अपने आप में अगर पूरी तरह से लगे रहते हैं तो आपको स्वतंत्रता है, पूरी तरह से छूट है एक तरह से, समझ रहे हैं? एक तरह से वही हाल कि आप घर अपना घर है, उसे गिरा के बनाइए, तोड़ के बनाइए, फिर गिराइए, फिर तोड़िए, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आपके पड़ोसी को अगर प्रॉब्लम होती है उससे, तो यहां आपकी स्वतंत्रता पर सीमाएं लगाई जाएगी, यानी कि प्रतिबंध लगाए जाएंगे, ठीक है? बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें, वो स्वतंत्रता के दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण है। एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावना के विकास में समर्थ बनाएगा, यानी कि सबको अपनी आजादी दी जाएगी अपने हिसाब से। क्या आप अपने गांव, शहर या जनपद में ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में याद कर सकते हैं जिसने अपनी या औरों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया? उस व्यक्ति के बारे में एक छोटा सा लेख लिखिए। इस लेख में यह भी लिखिए कि उस व्यक्ति से स्वतंत्रता के किस खास पहलू की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। याद रखिए, आपके क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि हर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे लोग शामिल थे, तो आप जिस क्षेत्र में लिख रहे हैं, आप जिस भी क्षेत्र से हैं, किसी जिले से हैं या किसी जिले में नहीं है कोई, तो आप अपने राज्य में लिख सकते हैं, आसपास के बारे में लिख सकते हैं, और नीचे आप लोग बताइए। जैसे झांसी में आप हैं, या आप सोचिए कि आप कहीं भी हैं, इलाहाबाद में या किसी भी स्टेट में, तो आप उस समय के उस जगह के कोई स्वतंत्रता सेनानी तो होगा जिसने अपनी जान दी, एक तरह से संघर्ष किया, तो उसके बारे में आप दो चार लाइनें लिख सकते हैं, मुझे लगता है एक सामान्य जानकारी उसके बारे में। समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हर किसी किस्म की सीमा और प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता है। ऐसे में यह तय करना जरूरी हो जाता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध न्यायोचित हैं और कौन से नहीं, किसको स्वीकार किया जा सकता है और किसको हटाया जाना चाहिए। व्यक्ति और समाज के बीच अपने बने केंद्रीय संबंधों को समझकर ही यह जाना जा सकता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध जरूरी हैं। यहाँ समाज का अर्थ समूह, समुदाय अथवा राज्य भी हो सकता है जिसके भीतर व्यक्ति मौजूद होता है। मतलब यह है कि हर व्यक्ति, हमें व्यक्ति और समाज के बीच के रिश्तों की पड़ताल करने की जरूरत है और यह देखना भी जरूरी होगा कि समाज का कौन सा लक्षण व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है और कौन कौन सा नहीं देता है। हमें यह भी तय करने की जरूरत है कि कौन सा लक्षण वांछित है और कौन सा नहीं, किस लक्षण को दूर किया जाना चाहिए और किसको नहीं। हमें यह भी देखने की आवश्यकता होती है कि जो सिद्धांत हमने यह तय करने में इस्तेमाल किया है कि कौन सा प्रतिबंध जरूरी है और क्या उस सिद्धांत को व्यक्तिगत और समूह अथवा राष्ट्र के बीच के संबंधों पर भी लागू कर सकते हैं। मैंने बताया ना आप लोगों को कि कुछ सीमाएं भी लगाई गई हैं। अब आपसे कह दिया, आपने देखा होगा कि आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है कि आपको अनुच्छेद 19 में कि आपको संगठन बनाने की आजादी है। चलिए, आप समाज सेवा के लिए कोई संगठन बना सकते हैं या पर्यावरण के लिए कोई संगठन बना सकते हैं, आप छंद छात्र संगठन बना सकते हैं, महिलाओं के लिए एक संगठन बना सकते हैं, किसानों का एक संगठन बना सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ऐसा संगठन कोई नहीं बना सकते हो कि जो देश को बांटने की बात करने लगे, देश की एकता अखंडता ये यानी कि देश में जो शांति है उसे अस्थिर करने लगे, तब तो आपकी एक तरह से स्वतंत्रता पर सीमाएं लगाई जाएंगी, प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, समझ रहे हैं? यहाँ भी एक पैराग्राफ ऐसे भी देख लीजिए, स्वराज एक काफी चर्चा में भी रहता है और डायरेक्ट मेंस में आंसर लिखने के लिए भी आ जाता है और दो तीन नंबर ये आप देखते हैं एमपीपीएससी में 3 नंबर का भी आ जाता है, 6 नंबर का भी क्वेश्चन, उस समय भी ये आपके लिए जरूरी रहता है। भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा स्वराज, एक तरह से आप कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता के समान ही स्वराज है। स्वराज का अर्थ होता है स्व का शासन भी हो सकता है और स्व के ऊपर शासन भी हो सकता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में के संदर्भ में स्वराज राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर स्वतंत्रता की मांग है, सामाजिक और सामूहिक स्तर पर यह एक मूल्य है।
इसलिए स्वराज स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नारा बन गया, जिसने तिलक की प्रसिद्ध कथन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा को प्रेरित किया है। इस नारे को भी इस तरह की आप देखते हैं, वन डे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाते हैं या पीटी में भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इस तरह के नारे भी याद रखा करिएगा। स्वराज का आशय अपने ऊपर अपना राज भी है। स्वराज की यही समझ गांधी के हिंद स्वराज में प्रकट हुई है। हिंद स्वराज के शब्दों में जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज यानी कि स्वतंत्र होते हैं। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं, ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उनकी मनुष्यता से वंचित करती है। स्वराज में मानवों को यंत्रवत बनाने वाली संस्थाओं से मुक्ति पाना नहीं थे, साथ ही स्वराज में आत्मसम्मान, दायित्व बोध और आत्म साक्षरता को पाना भी शामिल है। स्वराज पाने की परियोजना में सच्चे स्वर और उसके समाज समुदाय के रिश्तों को समझना भी महत्वपूर्ण है। गांधी जी का मानना था कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की संभावनाओं को अमुक्त करेगा। कहना ना होगा कि स्वराज की ऐसी समझ 21वीं सदी में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1909 में गांधी के हिंद स्वराज लिखते समय थी। आप समझ रहे हैं गांधी जी के बारे में। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, 2 अक्टूबर, मैंने देखा कि कई लोग गांधी के बारे में भी कितना उल्टा सीधा लिखते हैं। जिन्हें अपने बाप दादाओं का इतिहास मालूम नहीं है वो भी आजकल गांधी जी पर लेक्चर दे रहे हैं, उन्हें भी एक तरह से आप कहिए कि गलत ठहरा रहे हैं। कभी आप लोग इतिहास पढ़िए, भले ही भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इनमें मतभेद थे या सुभाष चंद्र में बोस में देख सकते हैं, विवेकानंद साहब में देख सकते हैं, लेकिन मतभेद विचारधारा को लेकर थे, कोई आपसी दुश्मनी नहीं थी, सभी लोग एक दूसरे के मतलब सम्मान करते थे। उसी का परिणाम तो आपने देखा है 1947 में जब हम आजाद होते हैं और नेहरू की पहली मंत्रिमंडल बनती है, तो उसमें आप सोचिए भीमराव अंबेडकर साहब को स्थान दिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप जानते हैं ना, संविधान के पिता एक तरह से। आप सोचिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी स्थान दिया जाता है, सबको जोड़ा जाता है। आज आप देख लीजिए, आज किसी विचारधारा, कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, उसे अपने में शामिल करने की बात कीजिए, कभी नहीं हो सकता है। तो किसी के बारे में कभी भी उल्टा सीधा नहीं लिख सकते आप लोग, जब तक कि उसके बारे में आप नहीं जानते हैं विस्तार से, ठीक है। अभी हम अभी तक हमने स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया है। स्वतंत्र होने का अर्थ उन सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कम तर करना है जो हमारी स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की क्षमता पर रोक टोक लगाए। हालांकि यह स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है, दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का एक सकारात्मक पहलू भी है। स्वतंत्र होने के लिए समाज को उन बातों को विस्तार देना चाहिए जिसमें व्यक्ति, समूह, समुदाय या राष्ट्र अपने भाग दिशा और स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ हो सके। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसी किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। एक तरह से आप समझिए कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह हर काम के एक तरह से दो पहलू होते हैं। आप समझिए कि आप किसी परिवार में रह रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपके पिता, अगर आपको आप अच्छा काम करने के लिए जा रहे होंगे, अपनी जिंदगी के बारे में कोई अच्छा डिसीजन ले रहे होंगे, तब पिताजी कभी नहीं रोकेंगे आपको। लेकिन आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि रोकना चाहिए। तो यही एक तरह से आप देश में भी देख सकते हैं, हमारा देश कभी नहीं चाहेगा कि आप तरक्की मत करिए, आप कर सकते हैं, आप आगे जाइए, उठिए, लेकिन ये कभी नहीं चाहेगा कि देश की अशांति देश को देकर आप लोग आगे बढ़े। स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य माना जाता है क्योंकि इससे हमें निर्णय और चयन कर पाते हैं। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं। एक बात और आपको बताऊं मैं कि अगर NCERT को आपको बहुत लंबे समय तक याद रखना है और आपको अगर हकीकत में पढ़ना है, हकीकत में आप चाहते हैं कि आंसर राइटिंग बेहतर हो आपकी, और एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि आप किस फील्ड में जा रहे हैं, ये भी मायने रखता है, तो आप अपने समाज से जोड़कर देखा करिएगा। और जब भी आंसर राइटिंग करते हैं तब भी आप अपने समाज को देखते हुए भी लिख सकते हैं। चलिए मैं तो कहता हूं उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है आपने, फिर भी आप एक बेहतर आंसर लिख सकते हैं अगर आप समाज से जुड़े होंगे तो। किसानों की समस्याएं, मुझे लगता है किसे कोई ऐसा भारत में हो
जिसे ना पता हो, ये अलग बात है कि उसने कभी अनुभव ही ना किया हो। तो आ जाए अगर किसानों की प्रॉब्लम पर लिखने के लिए आपको क्वेश्चंस, तो आप मुझे लगता है बेहतर आंसर लिख सकते हैं बिना टॉपिक पढ़े हुए। तो इस तरह देखते रहा करिएगा आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। प्रतिबंधों के स्रोत की अगर बात करें हम लोग, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानून की मदद से लगाए जा सकते हैं जो शासकों की ताकत का प्रतिनिधित्व करें। ऐसे प्रतिबंध उपनिवेशवादी शासकों ने या दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की व्यवस्था में लगाए। सरकार की कोई ना कोई जरूरत हो सकती है, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों का अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक जरूरी माध्यम मानी जाएगी। एक बात आप लोगों को, जिस तरह से आप सोचिए कि राजाओं का शासन हुआ करता था, अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, उस समय की अलग बात थी। उस तरह उस समय अगर आपके प्रतिबंध आपकी अधिकारों पर लगा दिए जाए तो आप आवाज ही नहीं उठा सकते थे। आज आप देखेंगे आपके पास कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी कई प्रावधान रखे गए हैं। आपके अगर अधिकारों का हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल यानी कि कहने का मतलब है अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसी तरह आप सोच सकते हैं कि अगर आप चुना हुआ शासक है, यानी कि आपने किसी विधायक को अगर चुना है, अगर आपके अधिकारों का वो हनन करता है, आपको दबाता है, तो अगली बार आपके 5 साल बाद आपके हाथ में वोट तो है, उसे उठा के फेंक सकते हैं आप लोग। कई जगह आपको ऐसी भी व्यवस्था देखने को मिलेगी कि उससे पहले भी आप उसे हटा सकते हैं। तो भी ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, लोकतंत्र वाले देश में ये भी अच्छी बात है। वहीं चाइना को ले लीजिए आप लोग, वहां अगर आप आवाज उठाते हैं मीडिया की कोई स्वतंत्रता नहीं है, तो वहां अलग बात है। ठीक है, यहाँ बात विवाद है, इसे आप सोचते रहिए, ज्यादा आप लोग इसमें टेंशन मत लीजिए। लड़के लड़कियों को यह तय करने की आजादी होनी चाहिए कि वे किससे शादी करें। इस मामले में अभिभावकों को कुछ नहीं कहना चाहिए। इस पर आप लोग वाद विवाद करते रहिए, कुछ आप पक्ष में होंगे, कुछ विपक्ष में होंगे, कुछ आप लोग इस तरह के आंसर आएंगे, तब भी आप लोग क्या किया करिएगा, विपक्ष भी लिखा करिएगा और पक्ष भी लिखा करिएगा, लास्ट में एक आप अपना निष्कर्ष लिख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपके लिखने के लिए आ गया कि प्रधानमंत्री के कुछ कामों के बारे में या गांधी जी का महत्व आजादी में, तो आपने क्या किया कि आपने नकारात्मक पॉइंट लिख दिए और पॉजिटिव पॉइंट आप लोग भूल गए, यानी कि सकारात्मक पॉइंट भूल गए, तो आंसर में 0 दिया जाएगा आपको। या फिर आपने क्या किया कि गांधी जी के सही सही काम गिना दिए और एक तरह से उनके जो भी उनकी गलतियां रही उन्हें आप भूल गए, तो ये भी नुकसानदायक होता है। इसलिए बड़ी आपको एक तरह से निष्कर्ष निकालते हुए लिखना चाहिए, दोनों का ध्यान रखना चाहिए, समझ रहे हैं। लेकिन स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सामाजिक असमानता के कारण भी हो सकते हैं, जैसा कि जाति व्यवस्था में होता है, और समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता के कारण भी स्वतंत्रता पर अंकुश लग सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस का कथन ऐसे ही प्रतिबंधों को दूर करने की जरूरत की ओर ध्यान दिलाता है। अभी भी कई समाज में आप देखते हैं इस तरह के प्रतिबंध आपको देखने को मिलते हैं। शादी पर भी आप देखते होंगे कि अगर किसी दूसरे कास्ट से अगर उसने शादी कर ली तब भी प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। हमें आखिर प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है? अब आपके दिमाग में, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये क्वेश्चन कि आखिर इन प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों आन पड़ती है। हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते हैं जिसमें कोई प्रतिबंध ना हो। हमें कुछ प्रतिबंधों की तो जरूरत है ही, अन्यथा समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा और लोगों के बीच मतमतांतर हो सकते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं में टकराव हो सकता है, बेसीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, समाज में असहमति उभरने के अनेक कारण हो सकते हैं, और कुछ तो खुले संघर्ष के रूप में भी व्यक्त हो सकते हैं। हम चारों ओर छोटे बड़े कारणों पर लड़ने के लिए तैयार लोगों को देखते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाते समय क्रोध, पार्किंग में जगह के लिए झगड़ा, जमीन या मकान के लिए लड़ाई, किसी खास फिल्म को दिखाए जाने पर असहमति, जैसे अनेक मुद्दे संघर्ष, हिंसा और कई बार जनहानि तक ले सकते हैं। इसलिए हर समाज को हिंसा पर नियंत्रण और विवाद के निपटारे के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाना जरूरी होता है। जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और दूसरे पर अपने विचार थोपने का प्रयास ना करें, तब तक हमारी आजादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ रहने में सक्षम होंगे रहेंगे। आदर्श रूप में एक मुक्त समाज में हमें अपने विचारों को बनाए रखने और जीने के अपने तरीके विकसित करने और अपनी इच्छाओं का पालन करने में
समर्थ होना चाहिए। इसका मतलब आप लोग समझे? आप सभी को देश से प्रेम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप ऐसे भी संगठन देखेंगे, ऐसे भी लोग देखेंगे जो देश को बांटने की बात करते हैं, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश में अशांति लाने की बात करते हैं। क्या तब भी आपके प्रतिबंधों पर, यानी कि प्रतिबंध ना लगाए जाए स्वतंत्रता पर? इस बात को तो आप भी मानते होंगे कि प्रतिबंध उस समय तो लगाना चाहिए। अब कोई भारत में खड़े होकर पाकिस्तान की मतलब एक तरह से वो करे, बात करे, उसके नारे लगाए, तो क्या उस समय भी हमें प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए? हमारे यहाँ की गुप्त सूचना को कोई बाहर भेज रहा है, तो क्या उस समय भी हमें प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए? घर में ही आप देखते होंगे, आप अपने परिवार में ही, कि जब आप उल्टे सीधे चलने लगते हैं, क्या तब भी प्रतिबंध ना लगाए? मान लीजिए आपके बच्चे हैं, चलिए आप अभी शायद नहीं समझ सकते हैं, मुझे लगता है जब हमारे ऊपर खुद बीतती है तब हम शायद उस प्रॉब्लम को समझ पाते हैं। वो कहावत है ना कि हमें दूसरे की प्रॉब्लम मजाक लगती है, हमारे लिए तमाशा है वो, लेकिन उस जगह जब हमारे ऊपर बीतेगी तब हम उसको अनुभव कर सकते हैं शायद। तो ये प्रतिबंध भी इसीलिए जरूरी है एक तरह से। यहां भी कुछ पैराग्राफ ऐसे भी देख लीजिए। स्वतंत्रता के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार क्या थे? यदि हम विचारों में क्रांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जो हमारे दो पूरे जीवन को एक उमंग से भरे दे। यह आदर्श स्वतंत्रता का है, लेकिन स्वतंत्रता का एक ऐसा शब्द है जिसमें बहुत सारे अर्थ हैं। हमारे देश में भी स्वतंत्रता की अवधारणा विकास की एक प्रक्रिया से गुजरी है। स्वतंत्रता से मेरा आशय ऐसी सर्वांगीण स्वतंत्रता से है जो व्यक्ति और समाज की हो, अमीर और गरीब की हो, स्त्री और पुरुषों की हो, और सभी लोगों और सभी वर्गों की हो। इस स्वतंत्रता का मतलब न केवल राजनीतिक गुलामों से मुक्ति होगा, बल्कि संपत्ति का समान बंटवारा, जातिगत अवरोधों, सामाजिक असमानताओं का अंत तथा सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुता का सर्वनाश भी होगा। यह आदर्श व्यवहार कुशल स्त्री पुरुषों को स्वप्न सरीखा लग सकता है, लेकिन केवल यही आदर्श आत्मा की भूख मिटा सकता है। ये 19 अक्टूबर 1929 को लाहौर में छात्र सम्मेलन में दिया गया अध्यक्षीय भाषण है नेताजी का। और एक बात और आपको बताऊं, हम तो ऐसे ही एक देश में जीते हैं कि यहाँ आप देखेंगे विभिन्न धर्म है, विभिन्न समूह है, यानी कि आप सोचिए जाति पात फैली हुई है। अगर यहाँ भी हम लोग कुछ प्रतिबंध ना रखें तो आपको डेली दिन आए दिन देखने को मिलेगी कि किस तरह से एक तरह से लड़ाई हो रही है। आप अभी भी देखते रहते हैं, इतनी ये सब प्रतिबंध होने के बाद भी एक समूह का दूसरे से लड़ना, दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना, ठीक है, इसलिए भी आप कह सकते हैं इसलिए भी जरूरी है। लेकिन ऐसे समाज के निर्माण के लिए भी कुछ प्रतिबंधों का की आवश्यकता होती है। कम से कम यह जरूरी होता है कि हम विचार, विश्वास और मत के अंतरों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। कभी कभी हमें लग सकता है कि हमारी प्रबल आस्थाओं के लिए जरूरी है कि हम उन संबंध सबका विरोध करें जो हमारे विचारों को खारिज करते हैं या उनसे अलग राय रखते हैं। हमें कुछ विचार या जीवन शैली अस्वीकार या अवांछित लग सकती है। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे कानून और राजनीतिक प्रतिबंध होने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि एक समूह के विचारों को दूसरे पर आरोपित किए बिना आपसी अंतरों पर चर्चा और वाद विवाद हो सके। बदतर स्थिति में हमें किसी के विचारों से एक रूप हो जाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए कानून के संरक्षण की ओर भी ज्यादा जरूरत होती है। आप किसी नेता को चुनते हैं, कल आपका वही नेता शोषण करने लग जाए, आपकी जमीन को हड़पने लग जाए, आपको मारने पीटने लग जाए, उस समय आप क्या करेंगे? मान लीजिए स्वतंत्रता एक तरह से आपके प्रतिबंध कोई नहीं लगा हुआ है, तो वो आपसे शक्तिशाली है, वो आपको दबा लेगा, तब भी आपके लिए जरूरी है। इसलिए आप देखते हैं आपकी स्वतंत्रता, अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट की ओर जाते हैं या हाई कोर्ट की ओर जाते हैं, वहां आपको न्याय भी मिलता है। हालांकि महत्वपूर्ण सवाल यह पहचानना है कि स्वतंत्रता पर कौन सा प्रतिबंध आवश्यक और उचित पूर्ण है और कौन सा सही नहीं है। कौन सी सत्ता उचित पूर्ण यह कह सकती है कि क्या किया जा सकता है क्या नहीं, और क्या हमारे जीवन के कुछ क्षेत्रीय क्षेत्र और कार्य ऐसे हैं जिन्हें हम सभी बाहरी प्रतिबंधों से मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब वही है कि आप देखते होंगे गेहूं, उसमें कंकड़ भी है, उसमें आप सोचिए
एक तरह से सरसों भी है, उसमें आपकी मटर भी है, आपको इनको अलग अलग करना है, कूड़ा कचरा सब कुछ है, कि किस क्षेत्र में आपको कहाँ रखना है, कौन आपके लिए उपयोगी है, कौन पूरी तरह से उपयोगी है, कौन कम आपके पशुओं के लिए उपयोगी है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हानि सिद्धांत की। इस सवाल का संतोषजनक जवाब देने के लिए हमें प्रतिबंध सीमा और सीमा आरोपित करने की क्षमता और उनके परिणामों से जुड़े मुद्दों को देखना होगा। हमें एक और मुद्दे पर ध्यान देना होगा कि जिसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से उठाया था। इसे भी याद रखिए इस निबंध को भी, क्योंकि इस तरह के आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तब इस तरह के अगर पॉइंट डालते हैं तो प्रभावकारी आंसर रहता है। राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में इसे हानि सिद्धांत कहा जाता है, और ये मिल के कथन को उसी के शब्दों में पढ़ें और समझने का प्रयास करते हैं। सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभी समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के उचित पूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। कहने का सीधा मतलब है, आप समझिए कि मैंने बोला ना कि आपकी बोलने की स्वतंत्रता तब तक है जब तक कि दूसरे के को नुकसान ना हो। अब आप आपके पड़ोसी को गाली देने लग जाएं, आप कहें कि हमारी स्वतंत्रता है बोलने की, तो ये कहां तक उचित है? तब आपके प्रतिबंध लगाया जाएगा। मिल ने यहां एक और महत्वपूर्ण विभेद को सामने रखा है। मिल ने स्वयंबद्ध और परसंबद्ध कार्यों में अंतर बताया। स्वयंबद्ध वे कार्य हैं जिनके प्रभाव केवल इन कार्यों करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं, जबकि परसंबद्ध कार्य वे हैं जो कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं। मिल का तर्क है कि स्वसंबद्ध कार्य और निर्णयों के मामले में राज्य या किसी बाहरी सत्ता का कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि आप अपने ऊपर आप जो भी काम कर रहे हैं उसका असर आप पर पड़ रहा है, तो आप करिएगा ना, इसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए बाहरी। आप दूसरी तरफ आप देखेंगे जो काम कर रहे हैं उसका तीसरी पार्टी या दूसरी पार्टी पर प्रभाव पड़ता है, उस समय प्रतिबंध होने की जरूरत है। आसान शब्दों में कहें तो स्वयंबद्ध कार्य वे हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि ये मेरा काम है और मैं इसे वैसे करूंगा जैसा मेरा मन होगा, या अगर ये आपके ऊपर असर नहीं डालते तो इससे आपको क्या मतलब है। इसके विपरीत ऐसे कार्य जो दूसरों पर असर डालते हैं या जिनके बाकी लोगों को कुछ हानि हो सकती है, बाहरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। समझ रहे हैं? दूसरे शब्दों में अगर हम परसंबद्ध कार्य वे हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है अगर तुम्हारी गतिविधियों से मुझे कुछ नुकसान होता है तो किसी ना किसी बाहरी सत्ता को चाहिए कि मुझे इन नुकसानों से बचाए। स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचाता हो। अब आप समझिए कि आपके खेत है, आपका घर है, उसे आपको तोड़ना है, गिराना है, सब करिए, क्या मतलब है मुझे, लेकिन इसका प्रभाव आपके पड़ोसी पर पड़ रहा है या आपके खेत के पड़ोसी में जिसका खेत है उस पर पड़ रहा है, तो किसी को टोकने की जरूरत है, कोई आपसे ऊपर आना चाहिए ना, प्रतिबंध लगाने चाहिए ना। तो यही है, चूंकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाए जा सकते हैं। प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी है कि किसी को होने वाली हानि गंभीर हो। क्या हो? हानि गंभीर हो। छोटी मोटी हानि के लिए मिल कानून की ताकत की जगह केवल सामाजिक रूप से अमान्य करने के सुझाव देता है। उदाहरण के लिए किसी बहुमंजिल भवन में ऊंची आवाज में संगीत बजाने पर इमारत के अन्य रहवासियों द्वारा सामाजिक असहमति जताना काफी होना चाहिए। इसमें पुलिस को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति औरों को होने वाले नुकसान की परवाह ना करते हुए ऊंची आवाज में संगीत सुनता है, चाहे तो बाकी लोग उसका अभिवादन करना बंद कर सकते हैं। ऊंची आवाज में संगीत सुनना बाकी लोगों को बातचीत करने, सोने या अपना संगीत सुनने से रोकता है। ये छोटे छोटे नुकसान है और इनके लिए केवल सामाजिक असहमति दर्शाना काफी होगा और यह कानून दंड के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। किन्हीं कार्यों पर संबद्ध पर कानूनी सख्ती से प्रतिबंध केवल तभी लगाना चाहिए तब भी निश्चित व्यक्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचाए, अन्यथा समाज को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए थोड़ी असुविधा रहनी चाहिए। अब देखिए आप लोग, यहाँ अच्छी बात कही गई है कि आप ऊंची आवाज में गाना सुन रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, तो इसमें एक तरह से वो सब लोग आपसे कह सकते हैं कि भाई बंद कर लीजिए, और यहां तक यही होना चाहिए। आप करें क्या करें कि आप पुलिस के पास चले जाएं, तो मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात और याद रखिए, जिसकी इंसानियत मर चुकी हो
तुम बार बार कह रहे हो कि ऐसा काम नहीं करिए, इससे प्रॉब्लम होती है समाज को, तब मुझे लगता है कि इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और इस समाज की बात बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप ऊपर नहीं बैठेंगे कहीं, आप कोई भी अधिकारी बनते हैं तो आप समाज में जाएंगे, निचले तबके से जुड़े रहेंगे, उसको जरूर जोड़कर आप लोग देखते रहिएगा। लोगों को विविध जीवन शैलियों, विभिन्न दृष्टिकोण और अलग अलग हितों को सहन करने के लिए जब तक तैयार रहना चाहिए, तब तक वे दूसरे को नुकसान ना पहुंचाने लगे। लेकिन ऐसी सहनशीलता का विस्तार उन विचारों या कार्यों तक करने की जरूरत नहीं है जो लोगों को खतरे में डाले या उनके प्रति नफरत का जहर फैलाए। घृणा का प्रचार और गंभीर क्षति पहुंचाने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जा सके, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिबंध इतने कड़े ना हो कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। उदाहरण के लिए, जिसने किसी के प्रति नफरत फैलाई हो, हम उसके लिए आजीवन कैद की मांग नहीं कर सकते। अगर वह राज्य द्वारा मिथ्या प्रचार से दूर रहने की चेतावनी के बाद भी ना माने तो उसको उसके आवागमन पर कुछ रोक लगाई जा सकती है या कोई सभा आयोजित करने के उसके अधिकार की कटौती की जा सकती है। अब आप सोचिए, किसी ने एक तरह से इस तरह का भेदभाव फैलाया, आप जाके उसे फांसी दे दें, ये तो एक तरह से स्वतंत्रता नहीं हो सकती, मतलब ये प्रतिबंध नहीं हो सकते, समझ रहे हैं आप? यानी कि कहने का मतलब है, सामने वाले की भावनाओं को भी आपको ध्यान में रखना होगा। एक तरह इस तरह भी समझ सकते हैं, आप और आपकी पत्नी है, मान लीजिए है नहीं, आएगी आने वाले समय में, देखने को मिलेगी, ठीक है, या मान लीजिए गर्लफ्रेंड है, कोई भी है, एक्स वाई जेड हो सकता है। मानिए आप दोनों में लड़ाई होती है, तो पहले आप लोग क्या करेंगे? दोनों समझौता अपने आप में करेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि दोनों थोड़ी भी लड़ाई हुई घर में चाय बनाने को लेकर और आप पहुंच गए सीधे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाकर लड़ने लगे, पहले तो समझौता होता है ना। तो यही हाल है, देखिए ना, तो प्रतिबंध कहने का मतलब है कि जब पूरी तरह से समाज से बाहर निकल जाए तब आप जाइए, तो मुझे लगता है कि ये स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने लायक भी होगा मामला। आपके पड़ोसी ने थोड़ी तेज आवाज में गाना बजा दिया, आप जाके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पहुंच गए, कोर्ट में पहुंच गए, ये तो एक तरह से निर्णय नहीं है। आप उसे रोकिए, एक बार, दो बार, तीन बार रोकिए, बाद में नहीं रोकता है तो आप पुलिस के पास जा सकते हैं, प्रशासन के पास जा सकते हैं, तब भी कोई कुछ नहीं कर सकता है तो ऊपर जा सकते हैं कोर्ट में, कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है तो उसके ऊपर आप जाइए ना। आप डायरेक्ट क्या किया आपने कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, हाई कोर्ट पहुंच जाए, यही हाल है। भारत में संवैधानिक चर्चाओं में ऐसी न्यायोचित सीमाओं के लिए उचित पूर्ण प्रतिबंध का पद का इस्तेमाल किया गया है। कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं लेकिन जरूरी है कि वे समुचित हों या कि उचित हों, उन्हें तर्क की कसौटी पर कसा जा सके। ऐसे प्रतिबंधों में ना तो अतिरेक हो और ना ही असंतुलन, क्योंकि तब यह समाज में स्वतंत्रता की सामान्य दशा पर असर डालेगा। हमें प्रतिबंध लगाने की आदत को विकसित नहीं होनी चाहिए, होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसी आदतें जो स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकती हैं। यानी कि दोनों पक्षों को आपको ध्यान में रखना होगा, सीधी सी बात कहने का मतलब। और एक तरह से आपको यही क्या है, आपका हानि सिद्धांत है। हानि सिद्धांत का मतलब आप समझिएगा कि दूसरे को हानि हुई तब आपके प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके सिविल सर्विस में भी पूछे जा सकते हैं या आपके इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। और आप जब किसी स्टेट पीसीएस देते हैं उसमें भी 5 नंबर का, 3 नंबर, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, वहां भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ एक और पैराग्राफ है, इसे भी देख लीजिए, उदारवाद। ये भी जब इतिहास में आप लोग पढ़ते होंगे तो ये भी उदारवाद के बारे में पढ़ते होंगे, उदारवादी नेता। जब हम कहते हैं कि उसके माता पिता बड़े उदार हैं, तब हम अक्सर यह कहना चाहते हैं कि वे बड़े सहनशील हैं। एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उदारवाद को सहनशीलता के मूल्य के साथ जोड़कर देखा जाता है। उदारवादी चाहे किसी व्यक्ति को उससे सहमत हो, तब भी वे उसके परिवार और उसके विचार और विश्वास रखने और व्यक्त करने के अधिकार का पक्ष लेते हैं। लेकिन उदारवाद इतना भय भर नहीं है और ना ही उदारवाद एकमात्र आधुनिक विचारधारा है जो सहिष्णुता का समर्थन करती है। आधुनिक उदारवाद को की विशेषता यह है कि इसमें केंद्र बिंदु व्यक्ति है और उदारवाद के लिए परिवार या समाज या समुदाय जैसी इकाइयों का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। उसके लिए इन इकाइयों का महत्व तभी है जब व्यक्ति इन्हें महत्व दे। उदाहरण के लिए उदारवादी कहेंगे कि किसी से व्यवहार करने का निर्णय व्यक्ति को लेना चाहिए, परिवार, जाति, समुदाय को नहीं। उदारवादी व्यक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। वे आमतौर पर राजनीतिक सत्ता को भी संदेह की नजर से देखते हैं।
ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम भूमिका का पक्ष लिया है, हालांकि अब ये कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की जरूरत है। उदारवादी एक तरह से आप उन्हें कह सकते हैं कि जो हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, समझ रहे हैं, सीधे साधे हैं, जिन्हें आप लोग गांव में कह देते हैं, वो बड़ा उदारवादी, बहुत सीधा साधा है, वही है। यहाँ भी कुछ दिया गया है, चिंतन मंथन। परिधान पर प्रतिबंध का मुद्दा, यदि अपने परिधान का चयन अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है तो नीचे दी गए इन स्थितियों को किस तरह देखेंगे जिसमें खास तरह के परिधान पर प्रतिबंध लगाया गया है। माओ के शासनकाल में चीन में सभी लोगों को माओ सूट पहनना पड़ता था, तय किया था कि यह समानता की अभिव्यक्ति है। एक मौलवी द्वारा सानिया मिर्जा के खिलाफ फतवा जारी किया गया क्योंकि उसका पहनावा उन पहनावे के खिलाफ माना गया जो महिलाओं के लिए तय किया गया। क्रिकेट के टेस्ट मैचों में यह जरूरी कि हर खिलाड़ी सफेद कपड़े पहने। छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय में एक निर्धारित वेशभूषा में रहना पड़ता है। एक बात और आपको बताऊं, देखिए ऊपर दो तो एक तरह से गलत है, ये स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। लेकिन स्कूल में आप लोगों में से कई लोग कहेंगे कि स्कूल में सर एक ही वो रहती है, ड्रेस पहनने के लिए कहा जाता है, तो एक तरह से आप कहिए कि वो आप पर निर्भर करता है। अब मान लीजिए कि आपके पास ड्रेस नहीं है तो स्कूल का मास्टर या तो खरीद के दे दे, आप इतने गरीब हैं तो आपसे कहा जाए कि आपको इसमें मतलब नहीं आने दिया जाएगा स्कूल में, तो ये आप ये कोई एक तरह से तर्क नहीं हो सकता है। आपके पास ड्रेस नहीं है तब भी आप स्कूल में जा सकते हैं, ठीक। वाद विवाद की बात करें तो मनचाहे परिधान पर प्रतिबंध सभी मामलों में न्यायोचित है या केवल कुछ में, यह स्वतंत्रता का प्रतिबंध का मामला कब बन सकता है, इन प्रतिबंधों को लगाने का अधिकार किसको है, क्या धार्मिक नेताओं को परिधान के मामले में न्याय देने का अधिकार होना चाहिए, क्या यह राज्य को तय करना चाहिए कि कोई क्या पहने, क्या क्रिकेट खेलते समय खिलाड़ियों के पहनावे के नियम तय करने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड उपयुक्त संस्था है, क्या प्रतिबंध आरोपित करना अन्यायपूर्ण होता है, क्या यह तरीके की व्यक्तियों की अभिव्यक्ति को कम करते हैं, आरोप को स्वीकार करने के परिणाम क्या होते हैं, क्या मायोकालीन चीन में सभी लोगों के एक जैसे कपड़े पहनने में से समाज में गरीबी कम हो गई, अगर महिलाएं ऐसे कपड़े ना पहने जिस सकें जिसमें वे पुरजोर तरीके से संघर्ष कर पाए, तो क्या यह माना जाए कि वे खेल में सहभागिता से वंचित की जा सके रही हैं, अगर क्रिकेट खिलाड़ी रंगीन कपड़े पहनते हैं तो क्या इसमें खेल प्रभावित होगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और याद रखिए इसमें मैंने बताया कि आपको कि आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी बात है कि एक ड्रेस स्कूल में होनी चाहिए या क्रिकेट खिलाड़ियों में होनी चाहिए, देखिए क्रिकेट खेल का अलग मामला है, स्कूल का अलग मामला है, ठीक है। वहां मुझे लगता है कि आप अगर जा रहे हैं तो आपके पास इतनी सुविधा तो होगी ड्रेस के लिए, और जो भी नियम कानून एक तरह से सेट करेगी वो आपको मानना पड़ेगा वहां, तो ठीक है। तो हर जगह अपने आप में बदल जाता है। अब ये तो कहीं नहीं हुआ कि आप धर्म कोई किसी मौलाना या किसी गुरु ने कह दिया कि आप इस तरह के कपड़े पहनिए, तो ये मुझे लगता है कि प्रतिबंध गलत है और ना ही इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सकारात्मकता, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट भी देख लेते हैं। इस अध्याय में पहले हमने स्वतंत्रता के दो आयामों की चर्चा की थी, बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता और स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों के विस्तार के रूप में स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता में इन्हें नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। आप उसी तरह से ले सकते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, चित्तपट वही है एक तरह से। नकारात्मक स्वतंत्रता उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुल्लंघनीय हो, जिसमें वह जो होना है, बनना है या करना चाहे, हो सके, बन सके और कर सके। यह ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा। यह छोटा सा पवित्र क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति कुछ भी करे लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। अहस्तक्षेप के इस छोटे से क्षेत्र का होना इस बात की स्वीकृति है कि मानव प्रकृति और मानव गरिमा को एक ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति दूसरों से आबाधित रूप से में व्यवहार कर सके। यह क्षेत्र कितना बड़ा होना चाहिए और इसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए, ये वाद विवाद के विषय है और बने रहेंगे, क्योंकि हस्तक्षेप का क्षेत्र कितना बड़ा होगा स्वतंत्रता उतनी ही अधिक होगी। आप लोग देखते होंगे जब आप लोग अधिकार पढ़ते हैं, अपने मौलिक अधिकार, तो आप देखते होंगे कि ये नकारात्मक अधिकार है, यानी कि कहने का मतलब इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं,
एक सकारात्मक सुनते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, यानी कि रोका जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये अपने नाम के हिसाब से उल्टे हैं, इसलिए बड़े ध्यान से याद रखिए, ठीक है। हमें जो मानने की जरूरत है वह है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की परंपरा व्यक्ति के लिए एक ऐसे दायरे की बात कहती है जो अनुलंघनीय हो, जिसमें व्यक्ति स्वयं को व्यक्त कर सके। अगर वह क्षेत्र बहुत छोटा है तो मानव गरिमा में कटौती होती है। मिसाल के तौर पर ऐसे दायरे को चिन्हित करने के लिए यह सवाल पूछा जा सकता है कि विद्यालय, खेल का मैदान और कार्यालय जैसी विभिन्न स्थितियों में पहनावे का चयन क्या ऐसा मामला है जो हस्तक्षेप के लघुतम क्षेत्र में आता है? क्या इसलिए यह ऐसा चयन है जिसमें कोई बाहरी सत्ता दखल नहीं दे सकती है? या ऐसा मामला है जिसमें राज्य, धार्मिक सत्ता, ICC या CBI, CBSE जैसी कोई भी संस्था हस्तक्षेप कर सकती है? नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क होता है कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसका स्वामी मैं हूं। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क यह स्पष्ट है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है। ऐसे उल्लंघन सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्क कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या से जुड़े हैं। ये तर्क इस सवाल के जवाब में आते हैं जब कि मुझ पर शासन कौन करता है। इस प्रश्न का आदर्श उत्तर होगा कि मैं स्वयं पर शासन करता हूं। सकारात्मक स्वतंत्रता के विमर्श की एक लंबी परंपरा है जिसमें रूसो, हेगेल, मार्क्स, गांधी, अरविंद और इन विचारकों से प्रेरणा लेने वाले बालों में देखा जा सकता है। इस परंपरा का सरोकार व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति से। यह परंपरा इन संबंधों को इस तरह सुधारना चाहती है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में कम से कम अवरोध रहे। व्यक्ति एक पुष्प की तरह, जब मिट्टी उपजाऊ हो, सूरज की रोशनी हो, पर्याप्त पानी हो और नियमित देखभाल हो, तभी वह खिल पाते हैं। एक बात और आपको बताऊं, जब आप अधिकार पढ़ेंगे भाग 3 में संविधान के, तो उसमें आप देखेंगे कि ये भी शब्द लिखा आता है कि जो सकारात्मक अधिकार हैं वो विदेशी लोगों को नहीं मिले होते, ये नकारात्मक अधिकार हैं, ये विदेशी लोगों को नहीं मिले होते, समझ रहे हैं? तो ये भी यहीं से जोड़कर आप लोग देख सकते हैं। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए भौतिक, राजनीतिक और सामाजिक जगत में समर्थकारी सकारात्मक स्थितियों का लाभ मिलना ही चाहिए। इसका अर्थ है कि व्यक्ति गरीब अथवा बेरोजगारी के कारण अवरुद्ध ना हो और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त भौतिक संसाधन होने चाहिए। उसके बाद निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर भी होना चाहिए, जिससे कि बनने वाले कानूनों में इसकी इच्छा की झलक हो या कम से कम उसकी प्राथमिकताओं को ध्यान में लिया जाए। सबसे पहले तो अपने बुद्धि विवेक के विकास के लिए शिक्षा और अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी अन्य अवसरों तक व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए। अब आप में से देखा गया कि आप कहेंगे कि कहीं नौकरी की जगह निकली हुई है, मान लीजिए 100, उसमें आप देखें कि किसी को अगर कुछ दे दिया जाए, कुछ आरक्षण दे दिया जाए, तो वहां आप जाए और आप कह दें कि मेरी स्वतंत्रता है, मेरी स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है। तो यहाँ के एक तरह से सकारात्मक अधिकार है। क्यों सकारात्मक अधिकार है? क्योंकि उस व्यक्ति का भी ध्यान रखना है आपको, जो निचले तबके का है, जिससे जो इन सुविधाओं से अभी तक वंचित रहा है, समझ रहे हैं? ये हाल है। सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं। इसलिए वह इस समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार हस्तक्षेप के अनुलंघनीय क्षेत्र से है। इस क्षेत्र से बाहर समाज की स्थितियों से नहीं, नकारात्मक स्वतंत्रता हस्तक्षेप के छोटे क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहिए। हालांकि ऐसा करने में वह समाज के स्थायित्व को ध्यान में रखेगी। आमतौर पर दोनों तरह की स्वतंत्रताएं साथ साथ चलती हैं और एक दूसरे का समर्थन करती हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निरंकुश शासक सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्कों का सहारा लेकर अपने शासन को न्यायोचित सिद्ध करने की कोशिश करें। ऐसा भी कई बार आपको देखने को मिलता है कि शासक क्या करता है, सकारात्मक यानी कि आपके ये प्रतिबंध, एक तरह से आप इस तरह से लगा सकते हैं कि आपके अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की बात हो तो वो सकारात्मक में आ जाता है, और जब प्रतिबंधों का अभाव की बात हो, ना लगाने की बात हो, तो वो आपका नकारात्मक में आ जाता है। तो ऐसे भी आपको शासक देखने को मिलेंगे जो सकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क देते हुए किसी के अधिकारों का उल्लंघन भी करते हैं, प्रतिबंध भी लगाते हैं, ठीक है। अब एक और आती है, एक शब्द और, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक तरह से बोलने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा हस्तक्षेप की लघुतम क्षेत्र से उजड़ा है हुआ माना जाता है। JS मिल ने सबल तर्क रखे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। यह चर्चा के लिए एक अच्छा प्रसंग भी है।
बहुत बार किसी पुस्तक, नाटक, फिल्म या किसी शोध पत्रिका के लेख पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठती है, और किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग को इस चर्चा के आलोक में देखा जाए। अभी तक हमने स्वतंत्रता के विकल्प निर्धारण के रूप में देखा जा सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच फर्क किया गया, जहां हमने स्वतंत्रता पर न्यायोचित सीमाएं लगाने की जरूरत को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही यह भी माना कि इन सीमाओं को उचित प्रक्रिया और महत्वपूर्ण नैतिक तर्कों के समर्थन की जरूरत है। यानी कि एक तर्क मजबूत होना चाहिए अगर आप किसी के स्वतंत्रता पर एक तरह से प्रतिबंध लगाते हैं। मजाक नहीं होना चाहिए वहां, समझ रहे हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बुनियादी मूल्य है, जो लोग इसको सीमित करना चाहते हैं उनसे बचने के लिए समाज की को कुछ असुविधाओं को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वाल्टेयर का कथन याद करें, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। हम इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कितनी गहराई से प्रतिबद्ध हैं। कुछ वर्ष पहले एक फिल्म निर्माता दीपा मेहता काशी में विधवाओं पर एक फिल्म बनाना चाहती थी, यह फिल्म विधवाओं की व्यथा को खोजना चाहती थी, लेकिन राजनीति के एक हिस्से द्वारा इसका जबरदस्त विरोध भी किया गया, और ये समय समय पर आपको कई मूवियों में देखने को भी मिलता है कि विरोध होते रहते हैं। विरोधियों को लगता था कि इसमें भारत को बहुत बुरे तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा, और उन्हें यह भी लगता है कि यह फिल्म विदेशी दर्शकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई जा रही है और इससे प्राचीन नगर की बदनामी होगी। उन्होंने इस फिल्म को नहीं करने बनने दिया और परिणाम स्वरूप फिल्म काशी में नहीं बनाई जा सकी। बाद में यह फिल्म कहीं और बनाई गई, और इसी तरह से उब्रे मेनन की रामायण रिटोल्ड और सलमान रुश्दी की द सैटानिक वर्सेस समाज के कुछ हिस्सों में विरोध के कारण प्रतिबंध कर दिए गए। द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक फिल्म और मी नाथुराम बोलते नाम का नाटक भी अन्य समूहों द्वारा विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया। इस तरह के प्रतिबंध आसान है लेकिन अल्पकालीन समाधान है, क्योंकि यह तत्कालीन मांग को पूरा कर देते हैं, लेकिन समाज में स्वतंत्रता की दूरगामी संभावना की दृष्टि से यह बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जब हम एक बार प्रतिबंध लगाने लगते हैं तब प्रतिबंध लगाने की आदत विकसित हो जाती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि प्रतिबंध कभी लगाया ही नहीं जाना चाहिए? आखिरकार हम फिल्मों की सेंसरशिप भी तो करते हैं, सेंसरशिप प्रतिबंध से अलग है। जिन सवालों पर अक्सर वाद विवाद होता है वे हैं कि किस स्थिति में प्रतिबंध लगाना चाहिए और किसमें नहीं, क्या प्रतिबंध कभी नहीं लगाए जाने चाहिए। इसी से जुड़ा दिलचस्प बात है कि इंग्लैंड में जो भी राज परिवार के लिए काम करता है वह राजमहल को आंतरिक बातों के बारे में ना लिखने के लिए एक समझौता से बंधा होता है। एक समय अभी ज्यादा ही टाइम नहीं गुजरा हुआ, आपने देखा होगा कि यूपीएससी में मुस्लिमों के बढ़ते चयन को लेकर बहुत मुद्दा उठाया गया था एक टीवी के द्वारा। फिर आपने देखा है कि एक पक्ष उसमें भी बहुत एक तरह से बुरी तरह से पेश किया जा रहा था, तो वहां भी उस पर प्रतिबंध लगाया गया। समझ रहे हैं आप लोग कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा था उसमें? आप सभी लोग जान रहे हैं, न्यूज पेपर से जुड़े हैं, और न्यूज पेपर से एक से जुड़े रहा करिएगा। जनसत्ता ले लीजिए या दैनिक जागरण ले लीजिए, जो भी आपके पास सुविधा है। हिंदी वालों के लिए यही बेहतर है, ठीक है? हिंदू देखिए, पढ़ने से कोई फायदा भी तो नहीं हो रहा है आपको, क्योंकि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि आप उसे पढ़ने बैठ जाएं और 1 घंटे से 2 घंटे में कवर कर लें। आप खुद जानते हैं अपनी स्थिति। हाँ, और आप देखते होंगे कई वीडियो क्लासें आ रही हैं हिंदू का हिंदी में अनुवाद करके, उसे पढ़ सकते हैं आप, देख भी सकते हैं। तो यही हाल है। यहाँ भी कुछ आपका दिया गया एक पैराग्राफ, इसे भी देख लीजिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन के एक राजनीतिक विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अभिव्यक्ति तथा विचार और वाद विवाद की स्वतंत्रता का बहुत ही भावपूर्ण पक्ष प्रस्तुत किया। अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में उसके 4 कारण पेश किए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिसके विचार आज भी स्थितियों में गलत या भ्रामक लग रहे हों। पहला कारण तो यह है कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता है। जो हमें गलत लगता है उसमें सच्चाई का तत्व होता है। अगर हम गलत विचार को प्रतिबंध कर देंगे तो इसमें छुपे सच्चाई के अंश को भी खो देंगे। दूसरा कारण पहले कारण से जुड़ा है। सत्य स्वयं में उससे उत्पन्न नहीं होता है, सत्य विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होता है। जो विचार आज गलत प्रतीत होता है वह सही तरह के विचारों के उदय में बहुमूल्य हो सकता है। तीसरे कारण की बात करें तो विचारों का यह संघर्ष केवल अतीत में ही मूल्यवान नहीं था, बल्कि हर समय में इसका सतत महत्व है। सत्य के बारे में यह खतरा हमेशा होता है कि वह एक विचारहीन और रूढ़ उक्ति में बदल जाए। जब हम इसे विरोधी विचार के सामने रखते हैं तभी इस विचार का विश्वसनीय होना सिद्ध होता है। अंतिम बात यह है कि हम इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं हो सकते हैं कि जिस
जिसे हम सत्य नहीं समझते सत्य समझते हैं वह असत्य है। कई बार जिन विचारों को किसी समय समय पूरे समाज में गलत समझा और दबाया दबाया था बाद में सत्य पाए गए। कुछ समाज ऐसे विचारों का दमन करते हैं जो आज उनके लिए स्वीकार नहीं है, लेकिन ये विचार आने वाले समय में बहुत मूल्यवान ज्ञान में बदल सकते हैं। दमनकारी समाज ऐसे संभावनाशील ज्ञान के लाभों से वंचित रह जाते हैं। आपने कुछ समय पहले एक मूवी के बारे में भी सुना होगा, उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन मैंने उस मूवी को देखा, पता है मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। और देखिए उसमें बाद में क्या किया गया कि नाम बदल दिया गया, उसमें अंदर कोई एक तरह से सुधार नहीं किया गया। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कौन से ना समझ लोग हैं जो नाम बदल जाने से उसकी पूरी कहानी ना समझ पाए। इतनी बेवकूफी तो नहीं है, तो ये भी देखा जाता है। और एक तरह से ये पूरा राजनीतिकरण रहता है समाज में। आप सोचिए कई बुराइयां थी, कई एक तरह से आप आजादी के उस समय पहले ही से चले जाइए, क्या उस पर अगर दिखा रहा है अगर कोई मूवी के हिसाब से तो उसे देखना नहीं चाहिए, उन समाज की बुराइयों को सामने नहीं आना चाहिए। इसमें कई जगह आप देखते हैं राजनीति नेता इसमें शामिल हो जाते हैं, कई जगह धर्म गुरु भी शामिल हो जाते हैं। हाँ, जो मूवियां समाज पर बुरा प्रभाव डाले उस पर प्रतिबंध लगाइए, उसे रोकिए पूरी तरह से। जो अश्लीलता फैला रही उन्हें रोकिए आप लोग, लेकिन आप उन्हें नहीं रोकेंगे। जो किसी इतिहास पर बनाई जा रही उसे रोकेंगे, खैर छोड़िए सब अलग बात है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति राजमहल की नौकरी छोड़ने के बाद महल की राजनीति के बारे में कोई साक्षरता देना चाहे, लेख या पुस्तक लिखना चाहे, तो वह ऐसा नहीं कर सकता है। क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अन्यायपूर्ण प्रतिबंध है? एकांक की बात कर रहा हूँ, ये आपकी एक तरह से जो राजपरिवार है इंग्लैंड का उसकी बात कर रहा हूँ। अलग अलग तरह की सीमाएं वजूद में वे हम पर विभिन्न स्थितियों में लागू होती हैं। इन प्रतिबंधों के बारे में सोचते समय हमें यह महसूस करने की जरूरत है, जब ये प्रतिबंध किसी संगठन सामाजिक या धार्मिक सांस्कृतिक सत्ता या राज्य की शक्ति के बल पर लगाए जाते हैं, तब वे ये हमारी स्वतंत्रता की कटौती स्वीकार करते हैं, उनके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाता है। हालांकि यदि हम स्वेच्छापूर्ण या अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पाने के लिए कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार करते हैं, तो हमारी स्वतंत्रता उस प्रकार से सीमित नहीं होती है। अगर हमें किन्हीं स्थितियों को स्वीकार करने के लिए बात नहीं किया जा रहा है, तब हम उन्हें कह सकते हैं और हमारी स्वतंत्रता की कटौती की जा रही है। एक तरह से आप कहिए कि आप चलिए आप अधिकारी बन गए कल, और आप पीएम के प्रिय मतलब एक तरह से सचिव बन चुके हैं, तो क्या आपको जो जानकारी मालूम है, जो भी आप लोगों के बात बीच बात हो रही है, क्या उसे सबके सामने लाने के लिए आपकी आप स्वतंत्र हैं? ऐसा नहीं है ना, कुछ कॉन्टेक्ट होता है, समझ रहे हैं। हमने यह भी कहते हुए शुरुआत की थी कि स्वतंत्रता बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। अब हम यह महसूस कर चुके हैं स्वतंत्रता हमारे विकल्प चुनने की सामर्थ्य और क्षमताओं में छुपी होती है। जब हम विकल्प चुनते हैं तो हमें अपने कार्यों उनके परिणामों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी चाहिए। इसलिए स्वतंत्रता के अधिकतर पक्षधर लोग मानते हैं कि बच्चों को माता पिता की देखभाल में रहना चाहिए। सही निर्णय लेने, उपलब्ध विकल्पों को विवेकपूर्ण जांचने पूर्वक जांचने और अपने कार्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की हमारी क्षमता का जितना विकास शिक्षा और निर्णय निर्माण के परिष्कार से होता है, उतनी ही जरूरत इसको राज्य और समाज की सत्ता को सीमित करके पालने पोसने की भी है। तो एक कहानी थी पूरी आपकी स्वतंत्रता की, मुझे लगता है बहुत विस्तार से आप लोग बात कर चुके हैं। एक क्वेश्चन दिए गए हैं ना, भी आप लोग देख लीजिए, और इसकी पीडीएफ भी आपकी टेलीग्राम पर डली हुई है। चलिए मिलते हैं, हम लोग समानता के बारे में जानेंगे। अगला चैप्टर आपका पूरा एक टॉपिक है आपका समानता के बारे में।